चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर रहे थे और हमने दो लेक्चर वहां पे कर लिए थे, एक लेक्चर दो रहता है तभी हमने आज लेक्चर किया, ताकि आपका जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, केमिकल काइनेटिक्स प्लस न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीक आपने पूरी इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल सोल्व करनी है, उसके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाने हैं। ओके देन हम जो थर्सडे है, थर्सडे को पहले हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वैसे हम नेक्स्ट वीक, पर पहले हम मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। ओके तो मेंस के तो क्वेश्चन आपने सारे ही कर देने हैं, सारे के सारे जो उतने भी हैं 116 थे, तो सारे के सारे आपने मेंस के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जिसके मेंस के हो गए होंगे कहीं होंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर है, केवीपीवाई है वहां पे, उसके आपने वहां पे सोल्व करने। ओके और ज्यादा करोगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर सेंड कर दूंगा, जेई के भी और नीट के प्रीवियस ईयर में आपको सेंड कर दूंगा, सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स का ही। ओके उसको आप एक बार लगा लेना लास्ट में, बस बहुत हो जाते हैं। ओके क्या इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स पढ़ना है उससे पहले? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो कंसेप्ट आएंगे रेडॉक्स के, नो डाउट रेडॉक्स के कंसेप्ट आएंगे, इवन रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ज्यादा है। जो हम सेल की बात करते हैं, सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ओके तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ पहले रेडॉक्स करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा वरना होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, हम कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे, इतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर प्लीज आप करा देना बिकॉज 11th में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट वीक से हाँ शुरू करेंगे और मैं ही कराऊंगा वो वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है हाँ जी स्टार्ट करें फिर, अब आ गए ना बच्चे? सर डाउट डिस्कशन भी आज नहीं, आज नहीं है डाउट डिस्कशन, आपका नेक्स्ट वीक होगा थर्सडे को, जब मेरी फर्स्ट क्लास लगती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उतनी मेरी क्लास, तो थर्सडे को अपन डाउट क्लास करेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं, 62 है बहुत है, इतने इतने ही होते हैं पढ़ने वाले तो सारे। सरफेस केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद होगा, सरफेस केमिस्ट्री होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद होगा। ओके चलो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एन बाई पी रेशो देख रहे थे, और एन बाई पी रेशो के अंदर हमने फिर क्या किया था, हम डीके के ऊपर चले गए थे, टाइप्स ऑफ डीके हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले अपन ने किया था अल्फा डीके क्या होता है वो हमने देखा, फिर हमने बीटा डीके देखा था, बीटा के अंदर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव दोनों ही डीके हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अब लिखो यहां पे के कैप्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है के कैप्चर, के कैप्चर फोर्थ पे आएगा हमारा के कैप्चर, के कैप्चर भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं इसको, के कैप्चर भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं इसको। ओके देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम नॉर्मल मॉडल्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, सर बोर्ड नॉट क्लियर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्या यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रंट कैमरा है एलईडी लगी हुई, दिख रहा है ना सही, नोट दिख रहा है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा एडजस्ट, थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी लो आएगी बट नो डाउट आपको दिखेगा सही। ओके देखो अब जिसका ब्लर है वो नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर ही है, यहाँ पे सही दिख रहा है। ओके चलो बस अपनी फटाफट खत्म कर, देखो के कैप्चर मैंने आपको बताया, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है, कभी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा नहीं, फिर कहा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है, तो वही हमारा के कैप्चर होता है, वही क्या होता है, वही हमारा के कैप्चर होता है। पहले इस चीज को समझना, के कैप्चर मतलब के शेल, के का मतलब के, क्या मतलब क्या है, के शेल, और के शेल मतलब फर्स्ट, के शेल में से इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, के शेल में से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम के कैप्चर बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम के कैप्चर बोलते हैं। के कैप्चर क्या है कि जो हमारी के शेल है, के शेल जो हमारी फर्स्ट शेल होती है दैट इज के शेल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसमें से न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, उसी को ही हम के कैप्चर भी बोल देते हैं, उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं, उसी को हम के कैप्चर बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। ओके तो वही है कि लेट्स से कि मेरा कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर कितना है, मास नंबर हमारा उसका ए है। ओके अब उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, तो इलेक्ट्रॉन हम कहां लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन उसने कैप्चर किया, जो ये न्यूक्लियाई था इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से क्या होगा, यहाँ पे कोई वाई बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोई वाई बनेगा। अब मेरे को बताओ मास नंबर तो क्या रहेगा, मास नंबर तो रिमेन सेम रहेगा, मास नंबर तो क्या रहेगा, मास नंबर रिमेन सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जेड माइनस वन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस वन आ जाएगा। ओके मैंने आपको बताया था कि जब बीटा नेगेटिव एमिशन होता तो हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकलती है, एंटी न्यूट्रिनो। ओके जब हमारा वो था
बीटा पॉजिटिव मिशन, वहां पे न्यूट्रिनो था और यहां पर भी क्या होगा, न्यूट्रिनो रिलीज होगा. न्यूट्रिनो क्या है, जस्ट एक एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी क्लियर हो रिलीज होगी. डाउट डाउट क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है ये डाउट क्लास नहीं है, ये हमारी रेगुलर क्लास है. किसने किया था डाउट क्लास नहीं है, हमारी रेगुलर क्लास है. ओके एक लेक्चर आ गया था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, उसी को हम खत्म कर रहे हैं, डाउट क्लास नहीं है. ओके तो जेड यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन क्या आ गया यहाँ पे, जेड माइनस वन आ गया. ओके मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर हमारा रिमेन सेम रहेगा. तो ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम के कैप्चर बोलते हैं. और ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलेंगे इसको. फटाफट बताओ, समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ समझ. एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पहले, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन अल्फा बीटा और उससे भी क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. जैसे कार्बन है हमारे पास 6 11 लिखो यहाँ पे. इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया. चार्ज में भी बताऊंगा, देखो जो चार्ज वाले बोल रहे हैं चार्ज में भी बताऊंगा. इलेक्ट्रॉन को उसने कैप्चर किया, चार्ज हम यहां से करेंगे एग्जांपल से. यहां पे क्या आएगा, देखो 6 - 1 कितना होगा, 5 होगा. और 5 किसका होता है, एटॉमिक नंबर, बोरोन का होता है. ये मास नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. और साथ में क्या रिलीज होगा, न्यूट्रिनो होगा. साथ में क्या होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल है ये. ओके तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर. जब के शेल में से, जब न्यूक्लियस हमारा के शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैप्चर करेगा. ओके चलो अब देखो मेन इसमें क्या होगा. यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे, 6 है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हमारे, 11 - 6 कितने हैं, वो 5 है. 11 - 6 कितने हैं, वो 5 है. ओके क्या कह रहे हो, हाँ ये कार्बन वाले रिएक्शन एक्चुअल में ही होते हैं क्योंकि 11 वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है. ओके ये प्रोटॉन 6 आ गए, न्यूट्रॉन 5 आ गए. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 5. और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के अंदर 6 है. इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के अंदर हमारे 6 है. ओके यहाँ पर बात करते हैं, देखो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, अब प्रोटॉन हमारे 5 है. न्यूट्रॉन कितने हमारे, 11 - 5 दैट इज 6. प्रोटॉन कितने हमारे, 5 है. न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन हमारे 6 है यहाँ पे. ओके अब देखो मेरे को पहले तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन एक कम हुआ और न्यूट्रॉन क्या हुआ, न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हुआ है. प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन हमारा कम हो गया, न्यूट्रॉन क्या हो गया, वो एक इंक्रीज हो गया. तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ कि जो हमारा एक प्रोटॉन है उसने ही क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया है. जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन करेगा. किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो न्यूट्रॉन की वो फॉर्मेशन करेगा. प्रोटॉन ने क्या किया, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और किसकी फॉर्मेशन हुई, वो वहां पे न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो गया. ओके तब भी तो प्रोटॉन हमारा एक कम हो गया, न्यूट्रॉन हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हमारा एक इंक्रीज हो गया. प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन हमारा कम हो गया, न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रॉन हमारा एक इंक्रीज हो गया यहाँ पे. ओके अब देखो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे 6 है. इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन मेरे 6 है. अब बताओ यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, फटाफट बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्या चार्ज आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. हाँ जी फटाफट बताओ क्या चार्ज आएगा, माइनस वन ही आएगा ना. चार्ज क्या आएगा, चार्ज माइनस वन आएगा. चार्ज क्या आएगा, चार्ज हमारा माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे. ओके तभी तो बैलेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे. चार्ज क्या आएगा, चार्ज हमारा यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा. ओके समझ आया. अच्छा दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी एन बाय पी रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी उसके बेस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा. यहाँ पे हमारा एन बाय पी रेशो कितना आ रहा है, एन बाय पी आ रहा है हमारा यहाँ पे 5/6. एन बाई पी कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है. यहाँ पे एन बाई पी कितना आ रहा है हमारा, एन बाई पी आ रहा है हमारा 6/5. देखो यहाँ पे 0 है, कितना है ये 0.8 समथिंग आएगा यहाँ पे. ओके 8.3 आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 1.2 आ रहा है. तो एन बाई पी रेशो क्या हो गया, एन बाई पी रेशो हमारा इंक्रीज हो गया. एन बाई पी रेशो क्या हो गया, एन बाई पी रेशो हमारा इंक्रीज हो गया. ओके तो के कैप्चर से क्या होता है, के कैप्चर से हमारा एन बाई पी रेशो क्या होता है, एन बाई पी रेशो इंक्रीज होता है. के कैप्चर से क्या होता है हमारा, एन बाई पी रेशो इंक्रीज होता है. ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लिखो सबसे पहले, लिखो इसके अंदर, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं लिखवा देता हूँ आपको इसकी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहले इसको फटाफट एक बार नोट कर लो. लिख लो पहले इसको. लिखो इसके अंदर, इन दिस प्रोसेस या इन दिस एमिशन तो नहीं बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस लिखो इसमें. इन दिस प्रोसेस हाँ इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है के शेल से, हुआ है इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ के शेल से. इन दिस प्रोसेस अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस
इन दिस प्रोसेस अ प्रोटोन इनसाइड द न्यूक्लियस इन दिस प्रोसेस अ प्रोटोन इनसाइड द न्यूक्लियस कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल ओके नोन एज के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर उसी को क्या बोलते हैं के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं ओके इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ये लिखना है कि जो हमारा n by p रेशो क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा n by p रेशो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा सबसे पहली बात तो ये लिखनी है उसके बाद ओके अच्छा दूसरी बात एटोमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन नेक्स्ट लाइन में लिखना है एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय वन यूनिट जो एटॉमिक नंबर होगा वो वन यूनिट क्या हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड मास नंबर रिमेन सेम मास नंबर क्या रहेगा वो हमारा रिमेन सेम रहेगा एटॉमिक नंबर क्या होगा एटॉमिक नंबर हमारा वन यूनिट डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर क्या रहेगा मास नंबर हमारा रिमेन सेम रहेगा ओके तो यही जो हमारा के कैप्चर है के कैप्चर की इंपॉर्टेंस है जो लास्ट है हमारा गामा एमिशन मैंने आपको पहले बताया था गामा एमिशन क्या होता है गामा जस्ट एक एनर्जी है उसका चार्ज भी जीरो है मास भी जीरो वो तो जस्ट क्या है एक एनर्जी है गामा एमिशन ओके देखो होता क्या है कि हमारा कोई भी डीके होगा जैसे कोई भी डीके होता है उसमें हर केस में क्या होता है गामा मतलब एमिशन होता ही होता है जनरली ओके तो होता क्या है कि जैसे हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है तो उसमें से जो भी डीके होगा आइदर अल्फा बीटा जो भी होगा तो वहां से क्या बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वहां से क्या बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा ओके अब देखो जो ये डॉटर न्यूक्लियाई बनता है ना ये एकदम स्टेबल नहीं होता ये थोड़ी सी हायर एनर्जी का होता है ये क्या होता है जैसे पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा ये बिल्कुल ही जो स्टेबल है जो उसके बिल्कुल स्टेबल फॉर्म है उसमें नहीं आता थोड़ा सा ये हायर एनर्जी का रहता है थोड़ा सा क्या रहता है हायर एनर्जी का इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर ये होता है ओके मेटा स्टेबल स्टेट अगर हम बात करें बिल्कुल ही अनस्टेबल भी नहीं है ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही अनस्टेबल हो ऐसा बिल्कुल नहीं है और बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं है एक मेटा स्टेबल स्टेट जहां पर देखो होता क्या है कि जनरली जब भी ये देखा गया है सर आज के भी नोट्स ठीक है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा नोट्स जनरली ये देखा गया जितने भी ट्रांजिशन होता है जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो भी टाइप का हमारा ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां जाता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है कोई भी ट्रांजिशन है तो अगर जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा अब होता क्या है कि जैसे वो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है ग्राउंड बिल्कुल स्टेबल है एक्साइटेड बिल्कुल क्या है अनस्टेबल है जैसे वो एक्साइटेड में जाता है वो बस बहुत ही कम टाइम एक्साइटेड में आता है उसके बाद वो मेटा स्टेबल में आ जाता है उसके बाद क्या होता है मेटा स्टेबल जैसे अगर मैं मानूं कि ये मेरी ग्राउंड है ये मेरी एक्साइटेड है यहां से यहां पे गया उसके बाद ये लगा लो कि यहां पे कहीं होगी मेटा स्टेबल हल्का सा वो नीचे आ जाएगा अपने से हल्का सा क्या आ जाएगा हल्का सा वो नीचे इसी को मेटा स्टेबल बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं मेटा स्टेबल बोलते हैं ओके तो जैसे ही हमारा पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो थोड़ा सा हायर एनर्जी करेगा थोड़ा सा क्या रहेगा वो हायर एनर्जी करेगा और जब ये हायर एनर्जी करेगा उसके बाद क्या आएगा ये स्टेबल आएगा और यहां से गामा एमिशन शो करेगा मेटा स्टेबल से कहां आएगा मेटा स्टेबल से नॉर्मल जो उसकी बिल्कुल स्टेट है जो उसकी स्टेबल स्टेट है उसके अंदर आएगा वो और तब क्या करेगा ये गामा एमिशन शो करेगा डिफरेंस क्या डिफरेंस इसमें सिर्फ एनर्जी का है जैसे पेरेंट से डॉटर बनेगा तो वो हायर एनर्जी का बनेगा उसके बाद क्या करेगा वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और वो स्टेबल फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो उसके बाद वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा तो यही होता है हमारा गामा एमिशन होता है ये क्या होता है हमारा गामा एमिशन होता है मतलब मेटा स्टेबल ये लगा लो कि ग्राउंड स्टेट से तो थोड़ी स्टेबल होती है बट जो नॉर्मल स्टेट होती है जैसे हम ग्राउंड स्टेट सॉरी एक्साइटेड स्टेट से तो वो थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल होती है बट ग्राउंड स्टेट से क्या होती है वो अनस्टेबल होती है ओके तो डॉटर न्यूक्लियस क्या करेगा गामा एनर्जी रिलीज करेगा और यही होगा हमारा गामा एमिशन यही क्या होगा हमारा गामा एमिशन होगा हाँ जी समझ आया नहीं आया एक घंटे की क्लास है ज्यादा नहीं रहता हाँ जी फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया आगे फटाफट इसको एक बार नोट करो गामा एमिशन मैंने आपको पहले ही कराया था गामा क्या है गामा जस्ट एक हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कोई इसका मास नहीं जस्ट क्या जस्ट ये एक एनर्जी है कोई मटेरियल वेव नहीं है इसका मैकेनिकल नेचर नहीं है इसका ओके ना ही मटेरियल वेव है ना ही इसका कोई मैकेनिकल नेचर है हाँ जी क्लियर है चलो अब एन बाई पी रेशो में आपको थोड़ा सा वो जनरलाइज कर देता हूं
मेटास्टेबल समझ आया ना, मेटास्टेबल क्या होता है, मेटास्टेबल समझ आना चाहिए आप, मेटास्टेबल। जैसे आप भी देखते हो, आप भी कई बार पूरे जोश में आ जाते होंगे, नहीं मैं तो आज सारा एक बुक खत्म करके रख मानूंगा, आज मैं पूरे नोट्स, पूरे के पूरे नोट्स मैं पढ़ दूंगा शाम को बैठ के, रात तक बैठा रहूंगा, सुबह सुबह उठूंगा नोट सारे खत्म कर। तो वो आपकी एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या, वो आपकी एक्साइटेड स्टेट है। बट अगले दिन कैसा होता है, अगले दिन नहीं होता, अगले दिन आप फिर नॉर्मल अपने उसी स्टेट में, जितने आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो, ओके। तो एक आपकी मेटा स्टेबल आ गई है, ओके। जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो मतलब फिर आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक तरह से आप ज्यादा पढ़ नहीं गए, ठीक है। तो मेटा स्टेबल जो आपके रेगुलर चल रहे, मतलब एक्साइटेड से थोड़ी सी कम, एक्साइटेड से थोड़ी सी कम, ओके। देखो टेबल देखो, अब टेबल में एन बाई पी का ही देखना बस हमें मेन। देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ हमारा, रिजल्ट और ये इनिशियल, ओके। सबसे पहले मैं अगर किसी का एन बाय पी, किसी का अगर एन बाय पी ज्यादा है, अब मेरे को आप ही बताओगे, अगर किसी का एन बाय पी ज्यादा है तो उसका एन बाय पी कम करना पड़ेगा, उसका एन बाय पी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ओके। एन बाय पी कैसे कम होता है बताओ, कौन से एमिशन से एन बाय पी कम होगा, कौन से एमिशन से एन बाय पी कम होगा बताओ, बीटा कौन सा, बीटा बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव से क्या होगा हमारा, वो होगा एन बाय पी अगर ज्यादा है तो बीटा नेगेटिव एमिशन होगा और एन बाय पी क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमें कम का मिल जाएगा, बिल्कुल सही है बात, चलो ठीक है। अगर हमारा एन बाय पी, अगर हमारा एन बाय पी कम हो, एन बाय पी क्या हो, कम हो, और हमें एन बाय पी को बढ़ाना हो, एन बाय पी कम है, एन बाय पी को क्या करना है हमें, इंक्रीज करना है, एन बाय पी को क्या करना है हमें, इंक्रीज करना। अब देखो इंक्रीज कौन कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है, बीटा पॉजिटिव कर रहा है और के कैप्चर कर रहा है, सारे के सारे कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान ये रखना है, अगर हमारा इसके साथ साथ अगर हमारा जेड 83 से भी ज्यादा है, अगर जेड 83 से ज्यादा है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके हायर में होता है, लोअर में जनरली ऑब्जर्व नहीं होता इतना खास, हायर वाले शो करते हैं अल्फा डीके। अब ये नहीं कि अल्फा ही करेंगे बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाकी भी करेंगे, ओके। चलो अगर भैया है कि एन बाय पी हमारा कम है, हमें उसको क्या करना है, हमें उसको ज्यादा करना है, हमें उसको क्या करना है, ज्यादा करना है। तो वही है कि जेड वाला तो केस यहाँ पे आ गया, अब जेड वाला यहाँ कोई केस नहीं, लोअर के लिए हम बात कर रहे हैं, ओके। ये लगा लो कि जेड 83 से क्या है हमारा, कम है, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, बीटा पॉजिटिव एंड के कैप्चर, बीटा पॉजिटिव एंड के कैप्चर होगा यहाँ पे, बीटा पॉजिटिव और क्या होगा साथ में, के कैप्चर होगा। हाँ जी फटाफट इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली, इसी टेबल को बस आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी फर्स्ट के अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों को करोगे तो कितना आएगा, 29 अपॉन, प्रोटोन कितने हैं इसके अंदर, 20 है, कितना आ रहा है ये, 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है ये, ओके। अब देखो कैल्शियम के लिए हमने बात की है, कैल्शियम के लिए क्या होता है, कैल्शियम के लिए जो हमारा एन बाय पी है, एन बाय पी की वैल्यू 1 तक रहेगी, ये नहीं ध्यान रखना बिल्कुल, बीच में मैंने बताया था बीच में थोड़ा रीजन स्टेबल रहता है, बट कैल्शियम ही दे दिया ना 1 तक, तो मतलब 20 तक तो क्या होगा, जो एन बाय पी है 1 रहेगा। अब ये क्या है, 1 से ज्यादा है, हमें एन बाय पी को क्या करना है, हमें एन बाय पी को कम करना है, बताओ कौन सा मिशन होगा, हमें एन बाय पी को कम करना है, बताओ कौन सा मिशन होगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो n हमारा यहाँ पे 29 आ गया और ये कितना आ गया, 20 आ गया, दोनों का जो करोगे रेशो तो 1 से ज्यादा आ रहा है, ओके। जब दोनों का रेशो 1 से ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसको कम करना है, हमें क्या करना है, हमें उसको n by p को कम करना है, ओके। कम किससे होगा, जब यहाँ पे बीटा नेगेटिव एमिशन होगा, कम किससे होगा, बीटा नेगेटिव, बाकी सारे बढ़ाते हैं, बीटा नेगेटिव क्या करता है, बस कम करता है, बीटा नेगेटिव क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ओके। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 आ गया और 1 आ गया, 2 आ गया इसका भी n by p, ये भी ज्यादा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, बीटा नेगेटिव होगा, ओके। यहाँ पे देखो नंबर न्यूट्रॉन कितना रहे, 1 आ रहा है, प्रोटॉन कितने, 2, सो 0.5 आ गया, 0.5 तो कम है, 0.5 तो कम है और ये 83 से भी कम है, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, आइदर बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर, आइदर बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर, इस तरह से बस आपने बताने हैं यहाँ पे। हाँ जी कर लोगे ना, फटाफट बताओ मेरे को, लास्ट केस, लास्ट केस में देखो क्या है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 माइनस 2 दैट इज 1,
और प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, सो 1/2.5 आया ना, जबकि 20 के लिए तो हमने बात किया कि 20 के लिए तो कितना होना चाहिए, n/p 1 होना चाहिए, तो n/p को इंक्रीज करने की जरूरत है, और इसका एटॉमिक नंबर 83 से कम है, तो फिर क्या होगा, बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर, आइदर बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर होगा। हाँ जी क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट करते हैं, लिखो नेक्स्ट लिखो फाइंड नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको कुछ एग्जांपल मतलब पहले एक दो एग्जांपल कराऊंगा फिर आपने खुद करने हैं ये। फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, मतलब हमें ये बताने कि हमें कोई एक गिवन है, उसका पेरेंट न्यूक्लियाई भी गिवन है, उसका हमें डॉटर न्यूक्लियाई भी गिवन है, हमें ये बताना है कि उसमें कितने नंबर में अल्फा डीके होंगे, कितने नंबर में अल्फा पार्टिकल अल्फा मिशन होगी, और कितने क्या होंगे इसके अंदर बीटा मिशन होगा। ओके चलो तो हम इसमें बताने की नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल हम इसमें, जैसे ये हमें गिवन है पेरेंट निकले, ये क्या हुआ डॉटर निकले, हमें बताने कितने नंबर में अल्फा पार्टिकल होंगे और कितने नंबर में बीटा पार्टिकल होंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपने करना, ध्यान से सुनो उसको। देखो इसको सोचो कि अल्फा पार्टिकल में मास चेंज होता है, बीटा पार्टिकल में मास चेंज नहीं होता, सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही है जिससे मास चेंज होता है, बाकी किसी भी उससे डीके से मास चेंज नहीं होगा। ओके तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्यों ना मास को ही देखें, सबसे पहले क्यों ना मास को देखें और मास के अकॉर्डिंग हम करें। ओके देखो अगर हम मास के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसका मास कितना है पेरेंट का 238, डॉटर का कितना है 206, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 32, उसको कर दो 4 से डिवाइड, क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 होता है, कितने आ गए 8 आ गया, तो 8 अल्फा क्या होंगे 8 अल्फा डीके होंगे, मतलब 8 अल्फा पार्टिकल्स का डीके होगा यहाँ पे। समझ आया कैसे किया, क्योंकि मास तो बाकी में तो मास सेम रहता है, तो आप क्या करो सबसे पहले मास को उठाओ, मास का जितना डिफरेंस होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल का जो डिफरेंस है ना वो हमारा जो डीके होता है वो 4 होता है, ठीक है, हर एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 है, कितना आ गया 8 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे 8 अल्फा डीके होंगे, 8 क्या होंगे 8 हमारे अल्फा डीके होंगे। ओके तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास तो हो गया हमारा स्टेबल, मतलब मास तो क्या हो गया मास हमारा सेम हो गया। देखो कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहते हैं कंजर्व्ड रहते हैं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए कंजर्व्ड होने चाहिए, वो उनमें चेंज नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए वो कंजर्व्ड होने चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके चलो ये हमारा यूरेनियम है दैट इज 92 और 238, अब इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, पीबी 82 206, मैंने यहां से क्या निकाल दिया, मैंने यहां से 8 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए, पहले एक बार मास को ही चेक कर लेते हैं, मास तो खैर हो ही गया सेम, 238 8 into 4 32 plus 206 238, तो मास क्या हो गया मास हमारा सेम हो गया। अब हमें सेम करने हैं, सर क्लास कब स्टार्ट हुई जब आप आए तभी स्टार्ट हुई, 8 into 4 32 plus 206 कितना हो गया 238 हो गया। ओके चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर बीटा मिशन बताना है कितना बीटा मिशन होगा। ओके चलो एक बार यहाँ पे देखो, ये क्या है यहाँ से हमारा 92 है, यहाँ पे क्या है हमारे जेड, कितना जेड हमारा 92 है। ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 92 है, यहां से कितना आया 82 यहां से आया और 8 इंटू 2 16 यहां से आया, देखो 92 यहां पे आया 82 प्लस 8 इंटू 2 16 ये यहां से आ गया। ओके ठीक है अब देखो जो बीटा नेगेटिव है, देखो ये 92 है ये क्या 82 और 82 कितना हो गया 16 हो गया। ओके हमें दोनों क्या करना, हमें दोनों को बैलेंस करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है, तो इसमें से कितना मैं माइनस करूं कि 92 के इक्वल आए, बस यही तो करना है, कितना मैं माइनस करूं 82 और 16 कितना हो गया 98 हो गया, मैं कितना माइनस करूं 6 माइनस करना पड़ेगा मेरे को, 6 माइनस करना पड़ेगा तभी क्या आएगा 92 के वो इक्वल आएगा। ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है 6 बीटा एमिशन हुआ है, बीटा नेगेटिव क्या हुआ, बीटा नेगेटिव एमिशन हुआ। समझ आया नहीं आया फटाफट बताओ मेरे को, समझ आया नहीं आया, 8 अल्फा डी क्या होगा 6 क्या होगा यहाँ पे बीटा एमिशन होगा, बीटा नेगेटिव एमिशन होगा, समझ आ रहा है ना, कहाँ चले गए भाई, चलो समझ आया ना रिपीट। हाँ देखो पहले देखो अल्फा तो बिल्कुल सिंपल, अल्फा में तो कोई वो नहीं, बीटा दोबारा देखो अल्फा में तो क्या है जस्ट मास माइनस करो डिवाइड बाय 4 करो आपका आ जाएगा। ओके मेन है हमारा बीटा, बीटा को ध्यान से सुनना, देखो वही है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 92, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 92, जैसे मैंने अल्फा किया अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया वो हो गया 98, कितना हो गया 98, तो मेरे को दोनों क्या करने इक्वल करने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा,
6 अगर 6 माइनस करना पड़ेगा तो फिर 6 ही क्या होगा यहाँ पे, बीटा नेगेटिव एमिशन होगा। दोनों को आपने इक्वल करना है, 6 ही क्या होगा, 6 यहाँ पे बीटा नेगेटिव एमिशन होगा यहाँ। ओके समझ आया, फटाफट बताओ किस किस को समझ आया है? नेगेटिव नेगेटिव भाई इक्वल नहीं करोगे क्या इसको, इक्वल नहीं क्या करोगे क्या, इक्वल करोगे ना, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इसको इक्वल करना ना, यहाँ पे 92 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या 82 प्लस 82 16, तो मेरे को 6 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी क्या होगा, तभी इक्वल होगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आप लोगों ने मेरे को करके दिखाना है फटाफट। चलो बताओ मेरे को नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फटाफट बताओ, फिर इसके बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम करेंगे कंसेप्ट। अभी पहले ये क्वेश्चन बताओ, हमारे सर को बीटा नहीं बोले थे, अरे बेटा पार्टिकल कितने निकलेंगे, तो बताओ बेटा पार्टिकल्स कितने निकलेंगे। चार, चलो देखते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले क्या देखना है अपन को, मास करना है 232 माइनस 208 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा यहाँ से 24 अपॉन 4, तो 6 आ गए, 6 के आगे हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ गए। ओके आओ दोबारा यहाँ पे थोरियम 90 और 232, पीबी 82 208, ओके अब करो 6 अल्फा। ओके अब देखो यहाँ पे ये तो ऊपर वाले तो अपने बैलेंस ही हो गए, 90 is equal to 82 plus 6 into 2 12, तो यहां से कितना आ गया, यहां से हमारा 94 आ गया, तो मेरे को 4 माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस 1 is 0 यहां पे कितना आएगा, यहां पे हमारा 4 आ जाएगा, माइनस 1 is 0 यहां पे कितना आएगा, यहां पे हमारा 4 आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा 4 आ जाएगा। ओके समझ आया नहीं आया फटाफट बताओ मेरे को, पता चलेगा कैसे निकालने हैं हमें ये, ठीक है। चलो अब मैं इसके बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपने मेरे क्वेश्चन करके दिखाने हैं, दूसरा आपने बताना है पीयू पीबी 82207 ये तो ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ एक बार फटाफट बताओ मेरे को, 48 अल्फा पीयू के नीचे क्या लिखा हुआ है, बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव, नहीं नहीं देखो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव नहीं, बस आपको सिर्फ बताना है अल्फा और बीटा नेगेटिव कितने होंगे, बस बीटा पॉजिटिव की तो मैंने बात ही नहीं की, बीटा पॉजिटिव की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके तो फटाफट यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने आएंगे, 241 माइनस 209 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 32 बाय 4 दैट इज 8, 8 तो क्या हो गया यहाँ पे अल्फा हो गया, और बीटा कितने हो गए 94 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 83 प्लस 8 इंटू 2 16 आ गए यहाँ पे, और ये कितना बनेगा 99, 5 माइनस करना पड़ेगा तो 5 बीटा, यही आया आंसर, फटाफट बताओ क्या आंसर यही आया, 8 अल्फा 5 बीटा नेगेटिव, यही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट, 238 माइनस 20 ये कर लिया था क्या हमने, ये कितना हो गया यहाँ से 238 माइनस 206 अपॉन 4, यहाँ से 8 अल्फा आ गए और बीटा 92 82 प्लस 16 तो 92 98 माइनस 6 तो 6 क्या आ गया, 6 बीटा नेगेटिव आ गया, यही था, हाँ जी यही आया सबका, फटाफट बताओ एक बार मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो एक बार फटाफट, 235 माइनस 7 कितना होता है, ये 5 2 7 8 28 अपॉन 4 7 आ गया, तो 7 तो क्या आ गया यहाँ पे अल्फा आ गया, और इधर 92 है, इधर कितना है 82 है, और 7 72 14 तो कितना होगा यहाँ से 96 4, तो 4 के आगे बीटा आ गया,
और क्या क्या बेटा नेगेटिव, क्या यही आया सबका? हाँ जी बताओ फटाफट। ठीक है, अब देखो सर नोट करना है, प्लीज बेटा नोट कर लेना। एक चीज मैं आपको बतानी है, देखो मैंने ये चार आपको अलग अलग एग्जांपल के बताए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है ये, इसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी सीरीज। रेडियो एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ओके, अब देखो रेडियो एक्टिविटी सीरीज क्या है, इसको बोलते हैं हम थोरियम सीरीज। थोरियम सीरीज ये फॉलो करती है 4N को। ये किसको फॉलो करते हैं? 4N को। एक फटाफट ध्यान से सुनो, किसी ने नोट नहीं करना, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो है क्या यहाँ पे, 4N का मतलब क्या है? 4N का मतलब है कि जो भी पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनेगा या फिर और फर्दर उसका डीके होगा, वो 4N को फॉलो करेंगे। 4N मतलब है उसका जो एटॉमिक मास होगा ना 4 का मल्टीपल होगा। उसका जो एटॉमिक मास होगा क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 4N सीरीज। इसका फर्दर डीके होगा तो वो भी 4 का मल्टीपल बनेगा। उसका जितने भी डीके होंगे इसके अंदर या इसके बीच में होंगे, जो भी होंगे, पूरी सीरीज बनती है, सभी क्या होंगे? 4 के मल्टीपल होंगे। सभी क्या होंगे? 4 के मल्टीपल होंगे। ओके, तो लेट्स से कि कोई आपको एक सीरीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4N सीरीज, और आपको चार ऑप्शन गिवन है। ओके, तो आपसे बोला है कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई बताओ इसका डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। तो आपने देखना है कि अगर वो 4N सीरीज है तो चारों ऑप्शन में से कौन सी हमारी 4N सीरीज है वहां पे, चार ऑप्शन में से कौन? भाई 82 की बात नहीं कर रहा मैं, मास नंबर की बात कर रहा हूँ, मास नंबर की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या 232 4 का मल्टीपल है? है, करके देखना 24 23 है ये भी, ठीक है ये भी है मल्टीपल। ओके, तो ये क्या होंगे? 4 का मल्टीपल होंगे, इसलिए इसको थोरियम भी सीरीज बोलते हैं। ओके, और ये 4N सीरीज मेन बोलते हैं, 4N सीरीज। तो पेरेंट न्यूक्लियाई जो है उसी के सीरीज के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? उसके डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, ऐसा देखा गया है। ओके, चलो ये है हमारी सेकंड, इसको बोलते हैं हम नेपच्यूनियम सीरीज। ओके, एग्जांपल अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा 4N+1 सीरीज। 4N+1 देखो क्या फॉलो कर रहे हैं, 4N+1 को, 4N का मल्टीपल प्लस 1 आएगा। 4N का मल्टीपल प्लस क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, चेक करके मेरे को बताओ यहाँ पे। हाँ जी 4N+1 आ रहा है, नहीं आ रहा, फटाफट बताओ, आ रहा है ना? तो इसका जो भी ड्यूटर न्यूक्लियाई बनेगा वो 4N का मल्टी, उसका जो मास होगा ना 4N का क्या होगा? वो मल्टीपल होगा। उसका जो मास होगा 4N का मल्टीपल होगा। ओके, तो ये है हमारा थर्ड यूरेनियम सीरीज। ये क्या होगी? 4N+1 होगी, ये क्या होगी? 2 होगी। चेक करके देख लो क्या 4N का, 4N+2 का मल्टीपल बन रहा है? 238 और 206, क्या ये 4N+2 का मल्टीपल है या नहीं है? है बिल्कुल। तो यही है कि इसके जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे 4N+2 के क्या रहेंगे? वो मल्टीपल रहेंगे। 4N+2 के क्या रहेंगे? वो मल्टीपल रहेंगे। ओके, इसको बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज। ये क्या होगा हमारा? बस लास्ट जो बचा 4N+3, 4N+3 का मल्टीपल चेक कर लो 235 और 207 है या नहीं है। जो भी बनेंगे 4N+3 क्या रहेंगे? मल्टीपल रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। फटाफट इसको नोट कर लो भाई, फटाफट करो, थोड़ा सा कंसेप्ट रहेंगे, फिर टाइम हो जाएगा ज्यादा, फिर आप लोग टाइमर शुरू कर दोगे, सर 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड 10 सेकेंड 5 3 2 1। अच्छा वैसे किस किस ने आज अपनी डीपी लगाई है तिरंगे वाली? हाँ जी, किस किस ने अपनी डीपी को चेंज किया और तिरंगे वाली डीपी लगाई है अपनी फोटो के साथ? सही से बताना भाई। मैं सुबह उठा और मैंने फोन देखा तो ऑलमोस्ट भरे पड़े सबने लगा दी, रात को ही 12 बजे ही। कहा भाई इतनी देशभक्ति कहाँ से आती है? भाई फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक मीम आया और मैंने मीम देखा, बहुत मेरे को मजा आ गया सुबह सुबह जब मैंने वो देखा उसको। मुगले आजम मूवी है, मुगले आजम, उसका एक अनारकली लेटी हुई है और पेड़ के नीचे, शाम का टाइम है, पिक्चर में ऐसा दिख रहा है। और उसमें सलीम बोलता है कि अनारकली जल्दी उठो, आज इंडिपेंडेंस डे है, तुम्हें अपनी अपनी फोटो तिरंगे के साथ डीपी पे नहीं लगानी क्या? देशभक्ति तो दिखाओ लोगों को अपनी। ओ भाई साहब।
सर मतलब एक एलिमेंट में कन्वर्ट होगा उसमें फॉलो होने चाहिए। हाँ जी यही फॉलो होंगे, इसी सीरीज को क्या करेंगे फॉलो करेंगे। हाँ जी फटाफट बताओ, कर लिया या नहीं किया भाई, इतना टाइम नहीं है, फटाफट बताओ। आज तो जो राफेल आए हैं वो तो चल रहे होंगे, आज तो 15 अगस्त, आज तो जो राफेल लिया मेरे को लग रहा है कि 2 ही दिन काम आने वाले हैं वो 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। हाँ जी नोट कर लिया, फटाफट बताओ। चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, 2 लाइनें हैं ये, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। कर दो साफ, नहीं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो गिवन बाय सोडी एंड फजान, गिवन बाय सोडी एंड फजान, सोडी SODY वाला सोडी, गिवन बाय सोडी एंड फजान। ओके तो सिंपल है, इसने बोला है कि जैसे हमारा अल्फा डीके होता है, हमारा क्या होता है अल्फा डीके होता है, देखो अल्फा डीके के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर हमारा 2 कम हो जाता है। ओके तो कह रहे हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें, सोडी तारक मेहता उल्टा चश्मा वाला नहीं है भाई ये यहाँ पे भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा भाई, मैं 8th 9th क्लास में था तब से चल रहा है शो, ये अभी तक चल रहा है। सो अल्फा अल्फा हाँ बस 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। देखो अल्फा डीके जब होगा क्या होगा, 2 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो भी हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा 2 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहे कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा वो एलिमेंट है 2 प्लेस क्या हो जाएगा, 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, 2 प्लेस क्या हो जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा। ओके क्योंकि 2 उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया, 2 एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कम हो गया। यही क्या, यही हमारा सोडियन फजान रूल है, यही क्या सोडियन फजान रूल। तो फटाफट लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, बाय अल्फा डीके रिजल्टिंग एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसाइटी पढ़े, बाय अल्फा डीके रिजल्टिंग न्यूक्लियाई या रिजल्टिंग एटम डिस्प्लेस 2 प्लेस लेफ्ट टू द पेरेंट एटम, 2 प्लेस लेफ्ट टू द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, 2 प्लेस लेफ्ट में हो जाएगा। यही क्या है सोडियन फजान रूल। ओके फटाफट देखो नेक्स्ट, बीटा नेगेटिव एमिशन में क्या होता है, बीटा नेगेटिव एमिशन के अंदर क्या होता है, फटाफट बताओ। हाँ बताओ, बीटा नेगेटिव एमिशन में कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, 1 प्लेस जाएगा, 2 प्लेस जाएगा, कितना जाएगा, फटाफट बताओ। 1 प्लेस राइट जाएगा, 1 प्लेस क्या जाएगा, 1 प्लेस राइट में चला जाएगा। ओके तो वही लिख लो, बाय बीटा नेगेटिव डीके रिजल्टिंग न्यूक्लियाई डिस्प्लेस 1 प्लेस राइट टू द पेरेंट। ठीक है बस ऐसे ही कर लेना, ऐसे बीटा पॉजिटिव को कर लो और ऐसे ही उसको कर लेना, के कैप्चर को कर लेना, कर लोगे ना उसको, कर लेना उसको अपने आप। नेक्स्ट देखो फटाफट, नेक्स्ट देखो एक छोटा सा और कंसेप्ट है, जैसे अगर हमें इस तरह से गिवन है कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस को करो, इस न्यूक्लियर रिएक्शंस करो, इस तरह से गिवन होगा, जैसे कोई बेरिलियम कोई एक हमारे पास एटम होगा उसके ब्रैकेट में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे पी गिवन है, यहाँ पे एन गिवन है, पी के हैप्पी प्रोटॉन है, एन के एन हमारा न्यूट्रॉन है। ओके तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है ये तो रिएक्टेंट साइड आएगा और इसका क्या हुआ है एमिशन हुआ है, फर्स्ट के फर्स्ट हमारा रिएक्टेंट साइड आएगा और एन का क्या हुआ, एन का हमारा एमिशन हुआ है। तो बी ई बेरिलियम के, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 और मास नंबर कितना है इसका 8 है, ठीक है ना, मास नंबर इसका 9 होता है, और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन आएगा यहां पर। ओके और न्यूट्रॉन आएगा यहां पे, न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन यहां पे आएगा। ओके प्रोटॉन यहां पे आएगा, न्यूट्रॉन क्या आएगा, न्यूट्रॉन वहां पे आएगा। सर प्लीज अभी तो मैंने कराया नहीं, अभी क्या रिपीट क्या कराना है, अभी मैं बताऊंगा ना। देखो कोई भी हमें एलिमेंट गिवन होगा उसके ब्रैकेट में लिखा होगा, जैसे पी लिखा है पी मतलब प्रोटॉन, एन लिखा है एन मतलब न्यूट्रॉन, हीलियम लिखा है या फिर अल्फा लिखा है अल्फा, अल्फा होगा वहां पे, डी लिखा है तो ड्यूटेरियम। ओके तो इस तरह से होगा वहां पे ये बस। तो P जो फर्स्ट वाला है उसको तो आपने रिएक्टेंट साइड रखना है, जो लास्ट वाला है बाल वाला है उसको, उसका मतलब उसका क्या हुआ, उसका एमिशन हुआ है,
उसका क्या हुआ, उसका एमिशन हुआ वहां पे। ओके चलो फटाफट देखो, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 + 5 और 5 किसका होता है, बोरोन को होता है, 5 किसका होता है, बोरोन को। ओके और ऊपर कितना आएगा, ऊपर तो 9 ही आएगा, ऊपर तो कितना आएगा, ऊपर तो हमारा 9 ही आएगा। हाँ जी ठीक है, 4 + 1 9 + 1 10। ठीक है तो इस तरह से आपने इनको करना है। इस तरह से क्या, इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जो फर्स्ट लिखा हो फर्स्ट को आप पहले लिखोगे, जो सेकंड लिखा हो उसको आप बाद में लिखोगे। ओके सो एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, लिथियम 3 7 अल्फा और एन, इसको मेरे को करके दिखाओ, पी और अल्फा करना है यहाँ पे, पी और अल्फा इसको करके दिखाओ फटाफट मेरे को। मेरे को बताओ कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट क्या बनेगा वो, देखो लिथियम 3 7 जो प्रोटोन है प्रोटोन को आप कहाँ लिखोगे, प्रोडक्ट साइड लिखोगे। ओके उससे क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकाल दो, दिख रहा है ना यहाँ से, दिख रहा है, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल आपने यहाँ पे निकाल दिया। ओके अब देखो यहाँ पे 3 1 + 4 4 तो यहाँ पे आ गया, 2 का बनेगा, 2 का कौन है, 2 का तो हीलियम है। 7 + 1 8 8 में से 4 यहाँ गए तो 4 यहाँ बनेगा, बस ये बनेगा हीलियम, हीलियम 2 4 दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी समझ आए। देखो जो हमारा फर्स्ट लिखा होगा जब सबसे पहले नंबर पे होगा वो क्या होगा, वो हमारा रिएक्टेंट साइड लिखना है हमने, जो सेकंड वाला होगा उसको हमने प्रोडक्ट साइड लिखना है, उसको कह रहे हैं उसको प्रोडक्ट साइड लिखना। ओके उसके अकॉर्डिंग फिर बैलेंस करके देखो कि यहाँ पे हमारा वाई की जगह क्या आएगा, वाई की जगह क्या आएगा। ओके चार चोर की ज्यादा बातें नहीं करते, यहाँ पे नॉर्मल आपने इसको करना है, 3 1 + 4 आएगा तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, ऊपर वाले को नीचे वाले को बैलेंस कर। ओके देखो होता क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना वहां पे हम इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस का डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा बातें नहीं करते हम, चार्ज लगाओ ना लगाओ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसकी ज्यादा बात नहीं करनी। मेन है प्रोटोन और न्यूट्रॉन कंजर्व होने चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ये इसकी खास बात होती है। ओके हाँ जी समझ आया, कर लोगे आप फटाफट, एनपी ये करके दिखाओ फिर, नाइट्रोजन 7 14 एनपी। अगर कहीं पे डी लिखा ना, डी डी का मतलब है ड्यूटेरियम, डी का मतलब क्या, डी का मतलब है ड्यूटेरियम। ओके फटाफट करो इसको, खत्म करो इसको, देखो एन 7 14 ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा और प्रोटॉन हमने यहाँ निकाल दिया। ओके तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 7 है टोटल सम, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 6 का आएगा, और 6 कौन होता है, कार्बन। बस आपने यही बैलेंस करना है, बस आपने पहले एटॉमिक नंबर कर दो फिर आपने मास नंबर कर दो, 14 + 1 15 मान यहाँ आ गया तो 14 ये बन गया। ओके इस तरह से करना है, बस पता होना चाहिए टाइप है ये डीके की, बस पता होना चाहिए आपको। ओके चलो फटाफट खत्म करो इसको, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी भैया उसमें कोई खास नहीं है, हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। हाँ जी उतार लिया ये या उतारना है, हाँ जी स्पीच नहीं सुन रहे आज मोदी जी की, यह हो गई है। अच्छा आपकी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मोदी जी भी गजब है यार, गजब। मोदी जी से पूछते हैं कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, वो कहते हैं मोदी जी। आपका फेवरेट स्पीकर कौन है, मोदी जी। आपका फेवरेट पर्सन कौन है, मोदी जी। आप किसके से ऐसे बनना चाहते थे, मोदी जी। ओके अपने स्पीच में 5 से 10 बार वो मोदी जी बोल देते हैं एक नॉर्मल एक टाइम इंटरवल में। ओके नेक्स्ट देखो काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। सुबह मोदी जी उठते हैं और मिरर में अपना चेहरा देखते हैं और बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ एक्टिविटी डीके, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। हाँ जी देखो काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के अंदर क्या है कि जो हमारे रेडियोएक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, सर नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, काइनेटिक्स और रेडिएटिव डीके के अंदर क्या है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करते हैं। ओके सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करते हैं। ओके अब देखो जैसे ए से क्या गया, बी गया, ए क्या था, ए हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई था
और बी क्या है, बी हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, बी क्या, बी हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, ओके। तो ए पेरेंट न्यूक्लियस, बी क्या, बी हमारा डॉटर न्यूक्लियस है। अब देखो वहां पे तो जैसे हमने किया था कंसंट्रेशन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में हमने वहां बात की थी, यहां पर हम बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में बात करेंगे, यहां पे किसके टर्म्स में बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में बात करेंगे, ओके। तो जब टाइम हमारा जीरो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, एन नॉट है, मतलब अभी कोई भी डीके नहीं हुआ, अभी कोई भी डीके नहीं हुआ, बी हमारा जीरो आ जाएगा, ओके। जब टाइम टी हो गया तो एन नॉट, या तो ऐसे करो एन नॉट माइनस एक्स, एक्स टी एन नॉट, मतलब एन नॉट में से कुछ न्यूक्लियाई का डीके हो गया है और वो उतना ही एक्स क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ओके। या फिर इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं और एन टी, और एन टी, एन टी भी लिख सकते हैं ना, एंटी मतलब कितने न्यूक्लियाई रह गए हैं जिनका डीके नहीं हुआ एट टाइम टी पे भी, ओके। तो भाई सेम फर्स्ट ऑर्डर का एंड इसको फॉलो करते हैं ये। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे तो हम यूज करते थे के, के क्या था हमारा रेट कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे यूज करते हैं हम लैम्डा, ये क्या होता है, ये हमारा डीके कॉन्स्टेंट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा डीके कॉन्स्टेंट होता है ये, ओके। चलो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग एन नॉट अपॉन एन टी, लॉग एन नॉट अपॉन क्या बनेगा, एन टी बनेगा। अब ये ध्यान रखना कि जो एन नॉट और एन टी क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये क्या, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ओके। सारे फॉर्मूले वही फॉलो होंगे, हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 अपॉन लैम्डा, 0.693 अपॉन लैम्डा, सारे फॉर्मूले वही यूज होंगे। यहां से फॉर्मूला निकालोगे एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ जाएगा यहां से, ओके। अब देखो ये तो आया है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम टी। अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट एट टाइम टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, ये तो है कि कितने बच गए हैं, कितने बच गए जिनका अभी रेडियो एक्टिविटी, जिनका डीके नहीं हुआ, ऐसे ही बोल सकता है, कितने का हुआ है वो बता दो। तो अपन इसमें क्या करेंगे, एन नोट माइनस एक्स कर देंगे पुट, एन नोट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, अल्टीमेटली हमें एक्स निकालना है, भाई एक्स ही तो है जिनका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ओके इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, एट टाइम टी, ओके। और ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, ओके। समझ आ रहा नहीं आ रहा, फटाफट बताओ मेरे को, सेम ही है इसमें, कुछ अलग नहीं कर रहे, भाग तो नहीं गए, अच्छा। चलो अगर मैं इसको रेट के टर्म्स में लिखूं, हमें पता है कि जो हमारा रेट है, रेट में कैसे निकालूंगा, एटम टी पे निकाल रहा हूं मैं रेट, तो एटम टी पे कैसे निकलेगा, डी ऑफ एन बाय डी टी निकल जाएगा, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट है, तो वो लैम्डा एन आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, ब्रैकेट लिख रहा हूं ना, कंसंट्रेशन नहीं है इसका मतलब नॉर्मल है, ओके। तो ये आ गया हमारा, एक ही मैंने लिखा था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, एक लिखा था मैंने, नेगेटिव साइन आएगा, ओके, लैम्डा एन आ जाएगा। एक एक कितने न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, जिस भी टाइम पे निकालोगे, जिस भी टाइम पे रेट निकालोगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोन, नहीं नहीं न्यूक्लियोन, न्यूक्लियोन तो न्यूक्लियोन की बोलूंगा मैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, कितने न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस रह गए, ओके। तो भैया अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट निकालते हैं, हम निकालते हैं टी एवरेज, बच्चों को डाउट बना सर टी एवरेज क्या होता है। देखो वही है कि जैसे रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी उसका टाइम, जैसे रेट मैटर करता है, रेट मतलब अलग अलग होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट है, फिर थोड़ी स्लो हो गया, मतलब जो रेट है, रेट एक कॉन्स्टेंट होना रहता है, रेट चेंज होता है विद टाइम, रेट क्या होता है, रेट हमारा चेंज होता है, ओके। तो वही है कि हमें क्या निकालना है, हमें टी एवरेज निकालना है, हमें सबका क्या निकालना है, टी एवरेज निकालना है, एवरेज एक उसको कितना टाइम लगा, एक न्यूक्लियस को कितना टाइम लगा, ओके, हमें एवरेज टाइम निकालना है। So every time की पूरी एक उसका डेरिवेशन है, इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो टी एवरेज है वो 1 बाय लैम्डा के इक्वल आता है, टी एवरेज है 1 बाय लैम्डा के इक्वल आएगा। अब लैम्डा क्या है, यहाँ से, यहाँ से निकाल दो,
टी हाफ कितना आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ ऊपर चला जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा यहां पे 0.693, 1/0.693 करोगे तो कितना आ जाएगा वो 1.44 आ जाएगा इंटू में टी हाफ, तो ये हमारा क्या निकलेगा यहां से टी एवरेज निकलेगा। देखो टी एवरेज क्या है, हाँ न्यूक्लियाई को जैसे डीके होते हैं ना, स्टार्टिंग में ज्यादा जल्दी हो रहे हैं बाद में लेट हो रहे हैं, तो वो रेट चेंज हो रहा है ना, स्पीड चेंज हो रही है रिएक्शन की। हमें पता है कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड थोड़ी ना रहती है रिएक्शन की, स्टार्टिंग में ज्यादा होती है बाद में फिर कम होती रहती है क्योंकि रिएक्टेंट हमारा कम होना शुरू हो जाता है तो स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग कम होती है। ओके तभी तो ऐसे तो रेट फिर एक ही रहेगा, पूरी रिएक्शन का रेट रहेगा ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने बताया था कि रेट जिस भी टाइम पे निकाल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करते हैं, तो रेट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके हमें ओवरऑल हमें एवरेज निकालना है यार, बस हमें एवरेज टाइम निकालना है कि एवरेज डीके होने में कितना टाइम लगा है, वो ये है हमारा ये टी एवरेज। वही क्या, वही हमारा टी एवरेज है।